आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल रिपोर्ट ऑटोमेशंस, सर। तो हमने फॉर्मूले की बहुत सारी चीजें देखी थी लास्ट क्लासेस में, और आपने बहुत सारे फॉर्मूले हमने आपको सिखाया था। आज हम अपने इस फॉर्मूले में आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक प्रोजेक्ट, एक लाइव रिपोर्ट ऑटोमेशन। तो बेसिकली एक क्रिकेट क्लब है, उस क्रिकेट क्लब से मुझे एक क्वेश्चन आया था। ये देखते हैं, मिस्टर दिलीप सिंह है, उनको इस तरह का लेटर हेड बनाना पड़ता है। हालांकि मैं लेटर हेड मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो वो सीधा है फॉर्मेट में, मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक लेटर उनको इशू करना होता है अपने खिलाड़ियों के लिए, उनके जो प्लेयर्स हैं, क्योंकि वो क्रिकेट क्लब एसोसिएशन है, तो उनको एक लेटर इशू करना होता है ताकि वो स्पोर्ट कोटे से उनको जॉब और एडमिशंस वगैरह वगैरह मिल सके। तो ये लेटर हेड पे वो करते हैं, आपके सामने दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। तो ये मैटर लिखते हैं जिसमें उनका नाम होता है और ईयर है, और इसके बाद इन पे सीरियल नंबर्स, कितने भी मैच खेले हैं, किस किस डेट को खेले हैं, किसके अगेंस्ट खेले हैं, कौन से लोकेशन में खेले हैं, वो प्लेयर थे या रिजर्व थे, समझ गए। तो इस तरह का लेटर है उनका। तो उनके पास जो डेटा है, चलिए तो डेटा दिखा देता हूँ, उनके पास कुछ इस तरह का डेटा था कि नाम, किसके अगेंस्ट खेला गया, किस लोकेशन में खेला गया और किस डेट को खेला गया, और स्टेटस क्या, वो प्लेयर थे या रिजर्व प्लेयर, और डैश मतलब कि उन्होंने नहीं खेला। तो प्रॉब्लम समझ में आ गई आप लोगों को? कुंदन जी, प्रमोद जी, रवि जी, समझ जी में आया? तो बेसिकली अभी तो इनके पास 16 प्लेयर है, वो बोलते हैं मेरे पास काफी प्लेयर होते हैं जिनकी लेटर हेड बनाना पड़ता है। तो वर्ड पे एक एक लेटर हेड को इस तरह से बनाना उनके लिए काफी टीडियस जॉब होती है, और एक एक क्योंकि रिकॉर्ड जरूरी नहीं है कि इकट्ठा हो, अलग अलग हो सकते हैं, समझ गए। जी तो मैंने उसे बोला कि आपका डेटा गलत है, आप डेटा इस तरह से ना बनाए। हमने बोला कि आप डेटा कुछ इस तरह से बनाए, सीरियल नंबर, एक यूनिक नंबर, नेम, मैच डेट, प्लेस अगेंस्ट और प्ले स्टेटस। जैसे कि मैंने हिमांशु जोशी की ही हम बात करें, हमने हिमांशु जोशी को लेता हूँ यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और मैं हिमांशु जोशी किस किस मैच डेट को खेले हैं, तो उन्होंने सारे डेट को खेला है, तो ये पूरा डेट यहाँ से हम कॉपी करते हैं, और यहाँ पे मैं उनको राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल और यहाँ ट्रांसपोज कर देता हूँ, ठीक है। किस डेट को मैच खेले हैं, कौन से लोकेशंस में, तो ये रहा उनका लोकेशंस। और किसके अगेंस्ट, तो अगेंस्ट ऊपर है यहां पे। हालांकि हम बीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग से डेटा को ट्रांसपोज कर सकते हैं, लेकिन हम उनको बोला कि आप डेटा इस तरह से बनाइएगा, तो डेटा एंट्री वो इसी तरह से करेंगे। क्या सर? और कौन सा लोकेशन है, लोकेशन भी हो गया, अगेंस्ट भी हो गया, अब इसमें आता है स्टेटस, प्लेयर थे कि रिजर्व। ठीक है, ऐसे ही उनके अगला, उनका एक और मैं दो कर देता हूं ताकि मैं चेक कर सकूं कि सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बाकी सब तो इसमें सेम रहेगा, बस स्टेटस चेंज हो जाएगा। तो डेटा कुछ इस तरह से उनको बनाना होगा, क्योंकि डेटा फॉर्म में, क्योंकि ये तो रिपोर्ट फॉर्म, समरी फॉर्म में है ना, क्या सर? जी।
उनको एक रिपोर्ट फॉर्मेट में बनाना होगा डेटा को, इस तरह से वो अपनी रिपोर्ट फॉर्मेट में वो बना लेंगे। ये कमी है इसमें। अच्छा एक प्लेयर था, हमने गलत तरीके से कॉपी कर लिया इसलिए एक कमी। ठीक है, अब मैंने इसका फॉर्मेट तैयार किया हुआ है। अब जैसे कि ऊपर देखिए, सबसे पहले तो ऊपर यहाँ पे ये होगा लेटर हेड का जगह है, लेटर क्योंकि वो प्रिंट तो लेटर हेड पे ही करेंगे ना। रेफरेंस नंबर्स है और यहाँ पे डेट है, यहाँ पे सर्टिफिकेट हमने दिया हुआ है और ये हमारा मैटर है। मैटर में जो नाम है वो नाम अलग अलग होगा, और उनकी जो ए है मतलब कि रिकॉर्ड्स है, वो रिकॉर्ड्स यहाँ पे मुझे लाने हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं आउट ऑफ रेंज में यहाँ पे करता हूँ सेलेक्ट, एंटर नेम करता हूँ, एंटर नेम, नेम यहाँ डालेंगे वो यहाँ पे, जो नेम वो डालेंगे यहाँ पे इस सेम नेम यहाँ वहां पे आ जाएगा, हिमांशु जोशी हम यहाँ पे डालते हैं। और यहाँ पे हमने इसको इक्वल करता हूँ, इन्वर्टेड कॉमा लगाता हूँ क्योंकि मुझे इसमें नाम को ऑटोमेट करने हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों की कि नहीं? हिमांशु जोशी के बाद स्पेस होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ, मिस्टर के बाद भी स्पेस होना चाहिए। हाँ अब आ गया। ठीक है, और T2 को मैं यहाँ पे एक मिनट, इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ, लेकिन फॉर्मूला के अंदर बोल्ड नहीं होगा। जब यहाँ पे एक दिक्कत आ गई क्योंकि बोल्ड होगा तो पूरा सेल होगा ना, कोई एक पर्टिकुलर टेक्स्ट बोल्ड नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करें, क्योंकि हमें क्योंकि लेटर हेड में हम जैसे देख नहीं पा रहे हैं कि नेम को बोल्ड किया गया है, दिख रहा है सर क्या तरीका है? तरीका है उसके लिए मुझे एक काम करता हूँ, मैं ये पूरा जो वर्ड मैंने लिख रखा है इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देता हूँ और फिर इसको मैं अनमर्ज करता। मुझे हम एक एक सेल में ऐसे इसको सर्टिफाइड दैट मिस्टर, मिस्टर भी हाईलाइटेड है इसमें, मिस्टर भी हाईलाइटेड, उस केस में हम इसको तोड़ देंगे। इसमें फिर हम नेम देंगे, थोड़ा सा छोटा इस थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं फील्ड को, फिर इसको बोल्ड कर देते। इसमें इसमें जो है मिस्टर को बोल्ड कर, इसको मैं टेक्स्ट को बोल्ड कर सकता हूं मैं, तो मैंने कंट्रोल बी कर दिया, बोल्ड हो गया, और इसको बोल्ड कर देता हूं हिमांशु जोशी और नाम इस तरह से होना चाहिए था। ठीक है सर, जो बाकी टेक्स्ट है
उस बाकी टेस्ट को हम बोल नहीं करना होता तो कोई दिक्कत नहीं था। इसमें हम बाकी चीज जिसे बोल्ड है वो बोल्ड कर सकते हैं, जैसे कि 2013 से 14 है, तो इसको मैं डबल क्लिक किया, सिलेक्ट इसको सिलेक्ट किया और बोल्ड कर दिया। उसके बाद इसमें कौन सा है, विजय हैज टूर्नामेंट तक जो हाईलाइटेड है इसमें, तो विजय हैज वन डे टूर्नामेंट, मैं इसको बोल्ड करके हाईलाइट कर दिया। मैचेस के बाद मुझे यहाँ पे ये तो मेरा फॉर्मेट तैयार हो गया, अब मुझे इस नाम के अगेंस्ट में, जो नाम है इसके अगेंस्ट में मुझे यहां पे चाहिए नंबर्स। तो सबसे पहले तो मैं इसको यहां पे इक्वल काउंट इफ का फॉर्मूला लगाऊंगा, जो कि मुझे डेटा में बताएगा कि बी कॉलन में कितना बार आया है, ताकि उतनी सीरियल नंबर हम जनरेट कर सकें। 8 बार है, 4 ही मैच खेले है ना, नहीं हाँ इसमें इन्होंने 8 मैच खेल रखा है, डेट वन फॉर्मेट में 4 है लेकिन हाँ 8 मैच खेल रखा। यहाँ फॉर्मूला लग रहा है कि इफ अगर इस पे +1 करता हूं, अगर ये +1 > =8 है तो ब्लैंक हो जाए, अदरवाइज इसमें +1 हो जाए। और इसको हम नीचे तक कर देते हैं, 10 रो तक लेके जाते हैं। इफ एरर लगा देता हूं ताकि एरर ब्लैंक हो, और U2 को मैं यहां पे क्लिक करके बोल्ड कर देता हूं। तीन चार पांच छह सात आठ नौ, ग्रेटर देन इक्वल टू है, हमें यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन करना चाहिए था, तो 8 तक बनेगा। अब
यहां पे सीरियल नंबर आ गया। अब मैं डेटा में जाता हूं और वी लुकअप लिस्टिंग वाला मेथड अपनाऊंगा, मैं लगाऊंगा यहां पे कि काउंट इफ और बी टू से बी टू कॉमा बी टू, तीन बी टू हो गए, चार हो गए। मन आ रहा है कि नहीं सर आप लोगों को? इस क्या होगा, सीक्वेंस नंबर दे देगा, लेकिन हमें ड्रैग करने से पहले हमें इसको फ्रीज करना होगा। मैं इसको ड्रैग कर दिया तो हर नाम के लिए सीक्वेंस नंबर दे दिया, और इसके साथ हम एंड परसेंट लगाते हैं और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, एक जिससे हमारा डेटा लुकअप हो पाएगा। और फॉर्मेट में आते हैं, मैं यहां पे फॉर्मा लगाता हूं वी लुकअप, इसको सेलेक्ट करता हूं और इसके साथ हम कंबाइन करते हैं इसके नेम को और फिर जाते हैं डेटा में और इसे वन टू थ्री फोर जो भी है, तो वन टू टू थ्री होगा, थ्री देता हूँ क्योंकि डेट चाहिए, नेम तो ऊपर है ही, डेट चाहिए कॉमा जी मैच डेट। अब नीचे ड्रैग करने से पहले हमें टी टू को फ्रीज करना होगा ताकि नीचे ड्रैग ना हो और इसमें एरर के चांसेस हैं, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा इफ एरर का, इफ एरर, इफ एरर, और यहां पे मैं दे दूंगा ना ये क्या हो गया, ये डेट फॉर्मेट क्यों नहीं है, डेट सही फॉर्मेट में नहीं है इसलिए, तो इसको मैं क्या करूंगा सही फॉर्मेट लाने के लिए अल डी ई और फिर यहां पे नेक्स्ट नेक्स्ट और यहां पे डी एम वाई एंड फिनिश। अब डेट सही है 29/2/2014, ये गलत हो गया क्योंकि 2014 में 29 तारीख नहीं था, लीप ईयर कहाँ है, ये गलती हो गई ना, 28 होना चाहिए था क्या सर, लीप ईयर तो 2012 होगा या 16 होगा, 2014 थोड़ी होगा, क्या प्रमोद जी 28 है, गलती है ना सर। ये डेट सेम डेट मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे तो मैंने चेंज किया, अच्छा मैंने मैंने भी 29 फरवरी लिख दिया, आगे ऐसा हम भी कभी कभी गलती कर देते हैं, ठीक है डेट आ गया अगेंस्ट। तो इसी फॉर्मूले को हम आगे की तरफ कॉपी कर देते हैं और इसमें सिर्फ हम चेंज कर क्या कर देंगे, इसमें 3 की जगह पे हो जाएगा हमारा 4। पहले से यहाँ पे तो यहाँ पे 4 होगा, और यहाँ पे होगा हमारा 6। अब इसको तो हम इसको तो कर देते हैं फिल्टर, यहां से
बाद हम इसमें जाते हैं न्यू रूल्स में, यूज फॉर्मूला, और बोलते हैं कि जो सिलेक्टेड सेल है, अगर सिलेक्टेड सेल ये नॉट इक्वल टू ब्लैंक तो क्या हो? तो इसमें जो है बॉर्डर जो है चारों तरफ से फिल हो जाए, ठीक है, ताकि ऑटोमेटिक हमारा बॉर्डर बन जाएगा। अगर मैच कम और ज्यादा कल की डेट में होती है तो ठीक है। सर यहां से मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग हटा देता हूं, क्लियर सिलेक्ट सिलेक्टेड से। हमने छोटी सी गलती कर दी है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, गलती को सुधार देता हूँ मैं। हमने गलती यहाँ पे एक ही है कि हमने यहाँ पे डॉलर साइन जो है हमारा वो तो लगा रहा है, हमें इसमें डॉलर साइन नहीं लगना चाहिए, बढ़ जाएगा। तो अगर मैंने यहाँ पे 10 तक का बनाया हुआ है कि अगर 10 हुआ तो 10 तक का अपना दिखाएगा, और सीरियल नंबर को मैं छोटा कर देता हूँ, को ठीक है। उसके बाद नीचे आई विश यू हिम थ्रू ब्राइट फ्यूचर करके आ रहा है, एक मिनट लिख देता हूँ यहाँ पे। फ्यूचर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो बताइएगा, फ्यूचर फोटोग्राफ फोटोग्राफ लिखना जरूरी था, जब नीचे फोटो लगा ही है तो फोटोग्राफ लिखना जरूरी थोड़ी था सर। तो क्या सर, नेचर इज टेस्टेड हेयर बाय हेयर हेयर विथ बाय नहीं, स्पेलिंग सही है ना सर? सॉरी मैं यहाँ पे लगा दिया, मुझे इसको इसके नीचे फॉर्मूला था और यहाँ भी फॉर्मूला है। हाँ, और ये जो हमने यहाँ पे बॉर्डर दे दिया, से बॉर्डर मुझे नहीं रखना है, नो बॉर्डर। इंटायर शीट सिलेक्टेड से, अब यहाँ पे इनका फोटोग्राफ सिग्नेचर। अच्छा, इसको हम इससे भी मेल मर्ज से भी कर सकते थे, लेकिन मेल मर्ज में दिक्कत ये होगा कि एक एक रिकॉर्ड्स आएंगे, दिक्कत यहाँ पे ये है।
सर, और फिर इनके फोटोग्राफ के लिए मैं एक छोटा एक बॉक्स बना देता हूँ। और यहाँ साइड में यहाँ पे परिमल, तो परिमल टाइपिंग मिस्टेक होंगे तो सही कर लेंगे। तो यहाँ पे उनका फोटो और सिग्नेचर हो जाएगा। सिग्नेचर के लिए लाइन दे देते हैं और यहाँ भी सिग्नेचर के लिए लाइन दे देते। अब इसमें ऊपर हेडिंग इसमें चाहे तो एक मिनट मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ, मैं इंसर्ट करता हूँ पिक्चर को। मैं यहां से इसको कॉप करता हूं। हम इसकी जो प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग के लिए हम ऊपर का हेडिंग नहीं रखते हैं, हम सिर्फ इतना ही एरिया को प्रिंट में डालते हैं। यहाँ पे पेज लेआउट में जाके हम यहाँ पे सबसे पहले इसकी गियर लाइन हटा देते हैं, जो पीछे की लाइनिंग दिख रही है वो ब्लैंक हो जाएगी और इसको हम कर देते हैं सेट प्रिंट एरिया। और ये आपका विड्थ, यहाँ पे पेज साइज पेज की हम यहाँ पे लेटर है और सही है पोर्ट्रेट। मार्जिन में हम इसको नैरो कर देते हैं, नहीं नहीं नैरो नहीं, अपना मार्जिन ऊपर के मार्जिन को सेट कर लेंगे। कस्टम मार्जिन में जाके वो उनकी लेटर हेड की जो मार्जिन होती है वो उसको अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। क्या सर, टॉप से कितना मार्जिन छोड़ना लेटर हेड के लिए वो डिसाइड कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम इसको करते हैं विड्थ में वन पेज एंड हाइट में भी वन पेज,
70% मार्जिन है इसका। हम इसको प्रिंट आउट निकालें, प्रिंट निकलेगा। ठीक है, तो ऊपर का अगर लेटर हेड का मार्जिन अगर 3-4 इंच है तो वो कम कर सकते हैं। सर सर